अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सांसदों के निलंबन पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस बल ने सफाईयों को रोकने का कई जगह प्रयास किया लेकिन रहे विफल। डिग्री कॉलेज चौराहे पर पुलिस व समाजवादी कार्यकर्ताओं से हुई तीखी नोकझोंक। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। सुपरमार्केट सफाईयों ने भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस के सामने जमकर किया धरना प्रदर्शन। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष की अगुवाई में विपक्ष के भाजपा सांसदों के निलंबन पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाते हुए पुलिस के सामने ही जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सिपाहियों और पुलिस में काफी झड़प भी हुई। आपको बता दें कि आज दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को समय करीब 11 बजे से रायबरेली जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुपरमार्केट से कलेक्ट्रेट परिसर तक विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोधी से लगाते हुए सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट में पुलिस द्वारा बलपूर्वक ज्ञापन देने पर रोके जाने से पुलिस कर्मियों में व सफाइयों में झड़प भी हो गई। वही हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हुए सफाइयों ने कहा कि युवाओं को जो रोजगार न दे सके वह सरकार बदलनी है, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना बंद करो सहित अन्य नारों के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर सड़क पर ही बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट ने सफाइयों से ज्ञापन लेकर धरना प्रदर्शन शांत कराया। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर फॉलो करें। सांसदों के निलंबन पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस बल ने सफाइयों को रोकने का कई जगह प्रयास किया लेकिन रही विफल। डिग्री कॉलेज चौराहे पर पुलिस व समाजवादी कार्यकर्ताओं से हुई तीखी नोकझोंक।